हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेडिकल क्लासेस टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही हैं तो उनकी क्वालिटी को कम्प्लीटली जो है वो मैनेज करना ठीक है वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी आनी चाहिए और उनका जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए मतलब अच्छी चीज़ जो है वो एक इफेक्टिव रेट पे जो है वो होनी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो यूज़ होनी चाहिए तो इसको हम कैसे करके जो है वो मैनेज कर सकते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्रीहसिव अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट दैट सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोसेस बाई फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फर्स्टिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है ये एक अप्रोच होता है मतलब हर एक कंप्लीट वे में जो है वो अप्रोच होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए किया जाता है इसमें जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं कोई भी सर्विस अगर चल रही है वहाँ पर ठीक है जो भी प्रोसेस जो है वो की जा रही है उन सारी चीज़ों से जो प्रोडक्ट जो सर्विस या फिर जो प्रोसेस वहाँ पे हो रही है उन सब चीज़ों से जो कस्टमर आ रहे हैं जैसे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन कंप्लीटली वे में जो है वो मिलना जरूरी जो है वो होता है ठीक है जिससे कि, कि वहाँ का एक वर्क कल्चर बना रहे वहाँ का जो है वो एक ब्रांड बन सके कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो अच्छे वे में मिलती है और उसका नाम हो सके और वहाँ पे हर एक चीज में जो है वो कंटिन्यूस वे में जो है वो इम्प्रूवमेंट होता रहे तो ये सारी चीजें जो है वो इंश्योर करना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व एवरी एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेट्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम डिज़ाइन टू डिलेवरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है अगर हमें क्या एम्प्लॉय के एस्पेक्ट से जो है वो देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ यूज हो रही है लाइक like उनको जब मैन्यूफैक्चर किया जा रहा है वो चीज़ जो बन रही हैं और टिल दर टिल दन जो भी उनके हम कस्टमर को डिलेवरी जो है वो प्रोवाइड कर तब तक उनकी हर एक वे में उसका कॉस्ट इफेक्टिव वे में और उनकी अच्छी क्वालिटी जो है वो यूज होना क्या कहलाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कस्टमर फोकस जो है वो होने चाहिए जो भी हम चीज़ें यूज़ करें वो कस्टमर के उस पर फोकस्ड होनी चाहिए उस चीज़ों में जो है वो कंटिन्यूस वे में जो है वो इम्प्रूवमेंट होता रहना चाहिए और जो इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं तो वो क्वालिटी का जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखना चाहिए ठीक है कि क्या इम्प्रूवमेंट हमने किया है एक्यूरेट एवेलुएशन हम जो भी चीज़ें वहाँ पर जो भी यूज़ हो रही हैं तो उनका जो है वो एक्यूरेट वे में इवेल्यूएशन जो है वो करना ज़रूरी होता है कि वो सही यूज हो रही है कि नहीं हो रही है उसमें क्या प्रोडक्ट जो है वो मिलाए जा रहे हैं और इसमें सब सारे एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व जो है वो होने चाहिए तो इनके डिटेल में हम पढ़ते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो भी हम चीज़ डिलीवर कर रहे हो उसमें कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन हमें जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करने जिससे कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई फील करे और उसके जो भी उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि हमें इस रेट पर ये चीज़ जो है वो मिल सकती है उसे जो है वो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलना चाहिए नेक्स्ट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटिंग ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड्रेसिंग इन एफिशेंसी और डिफिक्ट सिस्टम हमें जो है वो जो भी चीज़ें जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं ठीक है उनको हमें उसकी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है अगर उसमें कोई लेकिंग जो है वो आ रही है उसको जो है वो पता लगा कि उसमें को जो है दूर करना है ठीक तो उसमें जो है वो जो भी हम चीज़ें यूज करें आज ये इतनी अच्छी है कल और अच्छी फिर और अच्छी जो है वो कम्प्लीट एक ऑन गोइंग प्रोसेस में उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यूस वे में होना चाहिए नेक्स्ट वन कॉस्ट रिडक्शन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इन टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी हमें जो भी कॉस्ट हमने फॉर uh, एग्जाम्पल uh, एक चीज जो है वो हम पाँच रुपए में भी उतनी अच्छी चीज़ मिल रही है ठीक है और वो दस रुपए में भी उतनी अच्छी चीज मिल रही है तो हमें ऐसी चीज यूज करनी है जिसमें कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो और उसकी क्वालिटी भी जो है वो अच्छी हो ठीक है तो हमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इतना प्रॉफिट नहीं देखना है हमें जो है वो अच्छी चीज़ जो है वो अच्छे रेट पर जो है वो देनी चाहिए और हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी में जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर उतने पैसे में इतनी अगर क्वालिटी जो है वो आ सकती है तो हमें उसको बढ़ाना जो है वो नहीं है नेक्स्ट वन है एम्प्लॉय इंगेजमेंट इंकरेजिंग टीम वर्क पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन हमें एम्प्लॉयज़ को जो है वो इंक्रेज है वो करना है ताकि एक वो जो है वो टीम वर्क में जो है वो काम कर सके वो हर एक चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो बन सके और उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो ला हर एक वे में अपना आइडिया जो है वो वहाँ पर दे सकें जिससे

वहाँ की क्वालिटी अच्छी है हमें यहाँ से जो है वो ये प्रोडक्ट खरीदना है ठीक है तो हमें अपने आपकी रेपुटेशन क्वालिटी वाइज जितनी अच्छी बनानी है ताकि हम जो आउटर जो लोग हैं आउटर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो कर सकें नेक्स्ट वन प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्या प्रिंसिपल्स जो है वो यूज़ करने क्या प्रिंसिपल्स जो है वो होते हैं तो जब हम भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें कस्टमर के ऊपर जो है वो फोकस करना है कि कस्टमर की नीड क्या है कस्टमर क्या चाहता है क्या उसको जो है वो मिले तो कस्टमर के एज पर द नीड एज पर द डिमांड एज पर द एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमें काम करना है क्वालिटी इज डिफाइंड बाई कस्टमर परसेप्शन क्वालिटी जो है वो किसके ऊपर जो है वो होती कस्टमर क्या जो है वो चाहता है क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है क्या वो परसीव करता है जो भी चीज जो है वो हमसे खरीद रहा के, तो उससे वो क्या परसीव कर रहा है तो इससे जो है वो ये सारी चीजें हमें कस्टमर के ऊपर जो जो है 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 वो वो फोकस होके बनानी कि कस्टमर क्या चाह रहा नेक्स्ट वन लीडर कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट मस्ट लीड बाई एग्जाम्पल सेटिंग द विजन एंड सपोर्टिंग क्वालिटी इनिशिएटिव हमें जो है वो एक लीडरशिप का कमिटमेंट जो है वो देना है हमें जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक एग्जाम्पल जो है वो रखना है ठीक है वहां के विजन क्या है वहाँ का मिशन क्या है ठीक है तो उस सारी चीज़ों को हमें एक एज ए लीडर जो है वो काम करना और हमें अपने यहाँ के प्रोडक्ट को इतना अच्छा जो है वो बनाना है ठीक है और जिससे कि हम लोगों को जो है वो लोग उसके बारे में जो है वो जान सके हमें ऐसा क्वालिटी जो है वो उसके लिए इनिशिएटिव लेना है एज ए लीडर काम करना ताकि हर एक चीज़ अच्छी जो है वो हमारे यहाँ पर मिले नेक्स्ट वन एम्प्लॉय इन्वॉलमेंट सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो इन्वॉल्व करके जो है वो काम करना है जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है वो मिलजुल के तो एक uh, साथ में जो है वो काम करें और जिससे हमें नए नए इनोवेटिव आइडिया नई नई चीज़ें जो है वो मिल सकें जिससे कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो की जा सके कि हम क्वालिटी तो को मैनेज करने के लिए और क्या कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमें एम्प्लॉयज़ से अपने उनके व्यूज़ उनके पर्स्पेक्टिव जो है वो जानने हैं एज़ ए कस्टमर एक व्यू के अकॉर्डिंग ठीक है तो वो नए नए देंगे तो हम उनको भी जो है वो पुट कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि उनको पुट करना है ठीक अगर हमें कोई आइडिया अच्छा लगता है कि क्वालिटी तो, को मैनेज करने के लिए ये किया जा सकता है तो उसको जो है वो एग्जीक्यूट करना है अ कल्चर ऑफ कोलाबोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इज क्रूशल ये जो है वो एक मिलजुल के लोग जो है वो काम करें और अपने काम के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहें तो इस तरीके से हमें एम्प्लॉयज को जो है वो इन्वॉल्व करना है क्वालिटी को मैनेज करने के लिए नेक्स्ट वन प्रोसेस अप्रोच फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन आउटकम इंश्योर दैट सिस्टम आर इफिशेंट एंड कंसिस्टेंस हमें जो है वो प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस करना है कि हम काम को जो है वो कैसे बना रहे हैं हमें आउटकम बेस्ड जो है वो नहीं जाना कि इसका जो है वो रिजल्ट क्या हो सकता है हमने अच्छी चीज़ यूज़ की है सारी चीज़ें एक इफेक्टिव वे में की है हमने क्वालिटी को कहीं पे भी जो है वो नहीं छोड़ा तो हमें ऑब्वियस ये बात है रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा तो हमें प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस करना है रेदर देन द आउटकम आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग और ऑप्टिमाइजिंग इंटर रिलेटेड प्रोसेस इज इसशियल फॉर अचीविंग डिजायर रिजल्ट हमें जो है वो चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई अच्छी तरीके से करना है मैनेज अच्छी तरीके से करना है ठीक है जो भी जब उस चीज़ की प्रोसेसिंग हो रही है बनाने वगैरह की ठीक है जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उसको जब हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे तो हमें जो है वो हमने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट सोच के रखा है तो वो हमें रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा उसको हम अचीव कर पाएंगे नेक्स्ट वन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एम्स टू इनहस प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस इंक्रीमेंटली ओवर टाइम कंटिन्यूस अगर हम इम्प्रूवमेंट चीज़ों में करते रहेंगे लाइक आज क्वालिटी इतनी अच्छी है कल हमने और बेटर की और उसके बाद आगे जो है वो और बेटर की तो हमने जो भी सोचा है जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस बना रहे हैं ये विद द टाइम जो है वो और अच्छी जो है वो होती चली जाएगी नेक्स्ट वन है फैक्ट फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हमें जो भी फैक्ट हमें मिल रहा है ठीक है जो भी हमें एक्यूरेट डेटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन मेकिंग करनी है ठीक कर है जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं जो भी हम हाइपोथेटिकली जो भी पता कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो सही हो सकती है तो उसके लिए हमें फैक्ट लेने हैं एविडेंसेस लेने हैं तभी हम उन चीज़ों का यूज़ करना है ठीक है ऐसे नहीं है जस्ट हमने रेंडमली कुछ भी जो है वो प्रोडक्ट में मिला दिया ठीक तो इस तरीके से हमें फैक्ट के बेस पर जाना है ताकि हम अच्छी क्वालिटी जो है वो कस्टमर्स को दे पाएँ नेक्स्ट वन है इंटीग्रेटेड सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट मस्ट बी कोर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट एंड फंक्शन हमें जो है वो सारा जो है वो सिस्टम के साथ में काम करना है ठीक है तो क्वालिटी मैनेजमेंट एक मेन क्रूशियल पार्ट होता है अगर हमारे यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं तो हमारे पास में कोई नहीं आएगा कस्टमर जो है वो कट जाएंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक मेन पार्ट जो है वो रहता है ठीक तो वो सारे डिपार्टमेंट में सारे जो भी चीज़ें जो है वो हो रही जो भी काम वहाँ पर हो रहे हैं तो वहाँ का कि मेन पार्ट है तो इसके लिए जो है वो क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज है वो किसी को भी जो है वो नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना किसी डिपार्टमेंट को ना कोई भी किसी पार्ट को नेक्स्ट सप्लायर रिलेशनशिप जो भी सप्लाई कर रहा है तो उनसे जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं म्यूचुअली बेनिफिट डिसाइड करना है कि हमारे बीच में जो है वो एक क्वालिटी के लिए जो है वो अच्छी रिलेशन बनी रहे अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे ताकि हमारा सप्लायर जो हमारे यहाँ से चीज़ें बन के जा रही हैं वो अच्छी क्वालिटी जो है वो मार्केट के अंदर दे पाए ठीक तो हमें जो है वो इस तरीके से क्वालिटी को जो है वो इंश्योर करना है यहीं अगर यहाँ पे पेशेंट है तो हमें अपनी ऐसी क्वालिटी जो है वो देनी है ताकि पेशेंट्स जो है वो हमसे सेटिस्फाईड जो है वो हों ठीक है नर्सेस से सेटिस्फाइड रहें डॉक्टर से सेटिस्फाइड रहें ऐसी केयर उनको जो है वो प्रोवाइड करनी है